हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और हमने सीखा था केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो आज के इस सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन 6 टाइप्स के होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन 6 तरह के होते हैं। तो जो हमारा पहला केमिकल रिएक्शन है, जो हमारा पहला टाइप्स है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और नंबर 6th है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बारी बारी से हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टाइप है हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चलिए जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो हमारा पहला टाइप्स है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो होता क्या है बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन में दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, और जुड़ने से क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, और वो नया प्रोडक्ट कौन बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, एक नया मॉलिक्यूल, एक नया कंपाउंड बन रहा है, जो कि क्या है, वाटर है। तो ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल हमारा एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कोल में होता है कार्बन, और कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्मेशन होता है, CO2 का। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, CO2 का। तो बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा एग्जांपल है जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज होता है हीट। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी से हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, और जब ये क्विक लाइम को हम वाटर में ऐड करते हैं और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम एक नाम है इसका स्लैक लाइम भी। तो क्विक लाइम को ऐड करने पर वाटर में ऐड करने पर स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और आपने देखा भी होगा जब हम चूना को पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो पूरा गर्म हो जाता है, और ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम लोग स्लैक लाइम कहते हैं, और इस स्लैक लाइम को हम लोग वॉल का पेंटिंग करते हैं, दीवार में हम लोग पेंट करते हैं, वाइट वाशिंग फॉर वॉल। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। फिर बाद में उस सॉल्यूशन से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग दीवार में पेंट करते हैं, और एक दो दिन बाद उसमें जो है बहुत शाइनी दिखता है। कारण है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इस कारण से जो है आपका दीवार बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो ये था हमारा कुछ एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, जो दूसरा टाइप्स है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो हमारा दूसरा टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन
जिसमें सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने पर क्या देता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ समझते हैं, जैसे ये कंपाउंड है ए बी, और ए बी एक कंपाउंड है, और ए बी कंपाउंड डिकम्पोज होकर क्या देता है, ब्रेकडाउन होकर के दो अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं ए और बी, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए और बी यानी दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे और प्रोडक्ट क्या बनाता है, ए बी। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसका रिवर्स है, उल्टा है, ए बी ब्रेकडाउन होकर के नया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ए और बी। आखिर ये जो रिएक्टेंट है इसका ब्रेकडाउन क्यों होता है, ये रिएक्टेंट डिकम्पोज क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट में एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाके वो रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो रहा है और ब्रेकडाउन करके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये एनर्जी हम लोग तीन फॉर्म में दे सकते हैं, हीट के प्रेजेंस में हम ब्रेकडाउन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी देकर के हम ब्रेकडाउन कर सकते हैं, या तो हम लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो पहला टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे डिकम्पोजिशन जिसको हम हीट के प्रेजेंस में करवाते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और एग्जाम्पल देखें तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या प्राप्त होता है, फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जो हमारा तीसरा रिएक्शन है, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये जो सारे रिएक्शन हो रहे हैं, ये जो सारे डिकम्पोजिशन हो रहा है रिएक्टेंट का, वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आइए अब चलते हैं हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हमारा जो दूसरा टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन विच इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम ब्रेकडाउन करने के लिए इलेक्ट्रिक करेंट का यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं यानी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन कैथोड में फॉर्म होता है और ऑक्सीजन एनोड में फॉर्म होता है। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब हम फ्यूज्ड NaCl को लेते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो सोडियम को कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है Cl2 गैस, इसे हम Cl2 गैस कह सकते हैं, तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे लिबरेट होता है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है अपने कॉम्पोनेंट पे। अब हम चलते हैं हमारा तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पे। तो हमारा जो तीसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन विच इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें तो AgCl, और जब AgCl को हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, AgCl जो है ना वो डिकम्पोज होता है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। उसी तरह AgBr भी जो है, AgBr का भी डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये Ag और ब्रोमीन क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी एक तरह का लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसे हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये जो AgBr है, इस AgBr का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, लाइट के प्रेजेंस में ये AgBr जो है Ag और Br2 में डिकम्पोज हो जाता है, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक नेचर का होता है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के और टाइप्स। तो हमारा केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी सी रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन ए और बी सी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे मान लेते हैं जो ए है, ये ए जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये क्या करेगा, बी जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, बी को यहाँ से हटा देगा, तो आ जाएगा ए सी प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए मोर रिएक्टिव था, बी लेस रिएक्टिव था, ए मोर रिएक्टिव होने के चलते क्या हुआ, बी को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, और सॉल्यूशन में कौन आ गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ गया। तो अब जो सॉल्यूशन हो गया वो किसका हो गया, ए सी का हो गया, और जो बी है वो लेस रिएक्टिव था, वो जा करके नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं, जब आयरन का रिएक्शन किससे होता है, कॉपर सल्फेट से, तो क्या होता है, तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe आ जाएगा कॉपर की जगह पे, क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया, सॉल्यूशन से बाहर चला गया, सॉलिड बन के वो नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर हम एक्टिविटी सीरीज की बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, क्योंकि आयरन का जो पोजीशन है वो कॉपर से ज़्यादा है। अगर हम एक्टिविटी सीरीज को देखें तो कॉपर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कॉपर और आयरन को अगर देखें तो आयरन ऊपर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एलिमेंट का रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट ऊपर हैं, मेटल हाइड्रोजन के ऊपर जितने, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, नीचे वाले एलिमेंट को अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर भी रिएक्शन में यही हो रहा था कि आयरन जो था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करके कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, क्योंकि आयरन का जो पोजीशन है वो ऊपर है कॉपर से। तो जो सबसे टॉप पे एलिमेंट है वो कौन है, पोटासियम। पोटासियम हमारा क्या है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल्स हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो गोल्ड सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, तो इस तरह से हम ट्रिक के थ्रू हम याद रख सकते हैं।
और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो नीचे वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। चलिए अब हम और एग्जांपल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है जिंक, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्या करता है, जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और इसका कारण अभी हमने एक्टिविटी सीरीज देखा कि जिंक का जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है। कहने का मतलब है जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर साइड हो गया, सॉलिड बन गया, और जिंक सल्फेट जो है, जिंक जो है जाके सॉल्यूशन में घुल गया, यानी जिंक सल्फेट बन गया। तो जिंक का पोजीशन ऊपर था कॉपर से। उसी तरह अगर हम लेड को भी देखें तो जब लेड को हम क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन में घोलते हैं तो लेड क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन में घुल जाता है और PbCl2 बन जाता है और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि कॉपर का पोजीशन और लेड का पोजीशन जो है कॉपर नीचे और एक्टिविटी सीरीज में लेड ऊपर है, इस कारण से लेड जो है सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जा रहा है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से नीचे जा करके बैठ जा रहा है, यानी प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन के अगले टाइप्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रिएक्टेंट के बीच में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट का जब रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो होता है यहाँ पर क्या कि आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर आयन का एक्सचेंज है, तो यहाँ सल्फेट आयन के साथ कौन आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन प्रेजेंट है, और क्लोराइड आयन के साथ यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट है, बेरियम आयन प्रेजेंट है। तो अगर हम प्रोडक्ट की तरफ देखें तो रिएक्टेंट की तरफ सल्फेट आयन के तरफ साथ सोडियम आयन था, अब क्या हो गया, बेरियम आयन आ गया, और Cl आयन के साथ बेरियम आयन था और प्रोडक्ट की तरफ Cl आयन के साथ सोडियम आयन। तो यहाँ पर आयन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हो गया है, आयन का क्या हो गया है, एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम यहाँ पर सोडियम जो है वो क्या हो गया, मोर रिएक्टिव होने के चलते क्लोरीन के साथ चला गया, और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ मिल करके सॉलिड बन गया, यानी जो बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल बन गया और प्रेसिपिटेट बन करके नीचे बैठ गया। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ है। तो अगला रिएक्शन देखें तो सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ होता है तो रिएक्शन होने पर क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो है सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होने के चलते वो क्या हुआ है, वो नाइट्रेट आयन के पास चला गया और क्या बन गया, NaNO3 बन गया, और जो सिल्वर है वो Cl के साथ चला गया और क्या बन गया, AgCl, और यहाँ पर भी AgCl क्या है, इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में, तो ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, और जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है और सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो देख अक्सर देखने को मिलता क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 10 का इंडेक्स क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी एक सब्सटेंस एक्स है और उसका यूज हो रहा है व्हाइट वॉशिंग में, तो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर। तो हमें यहाँ दो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें जो सब्सटेंस एक्स है
और सब्सटेंस एक्स का जो सॉल्यूशन है वाइट वाशिंग यानी हम लोग वाल को पेंट करते हैं उससे, तो उस सब्सटेंस का नाम बताना है। तो हमने डिस्कशन किया है कि कौन सा सब्सटेंस से हम लोग वाइट वाशिंग करते हैं, पेंट किससे करते हैं, और रिएक्शन भी साथ में डिस्कस किया था। हम लेते हैं एक स्लाइड। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा जो कंपाउंड एक्स है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम भी कहते हैं या क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम। और जो ये पहला था कि हमको नाम बताना था पहला क्वेश्चन में, तो जो गिवन कंपाउंड एक्स है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम है। और जो दूसरा क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो वाटर से रिएक्शन कराने पर ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अगर हम स्टेट देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, H2O लिक्विड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक्वस होता है। अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हाइड्रोजन कितना है, दो, हाइड्रोजन भी दो है, ऑक्सीजन दो है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, और एक कैल्शियम है और एक कैल्शियम है, तो इक्वेशन बैलेंस ही है। तो ये हमारा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फॉर्म होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं वाइट वाशिंग में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो एक्टिविटी 1.7 है, उस एक्टिविटी 1.7 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है वाटर का। जरा हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, कि एक्टिविटी 1.7 में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया है जिसमें कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, 2H2O, और जब हम इसमें हम करंट देते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। हाइड्रोजन कैथोड में फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म हो रहा है, एनोड में फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं फिगर में। तो देखिए आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया, बोल रहा है कि एक गैस जो है वो डबल अमाउंट में बन रहा है और एक गैस हाफ अमाउंट में बन रहा है, तो डबल अमाउंट में क्यों बन रहा है, तो डबल अमाउंट में कौन बन रहा है, डबल अमाउंट में बन रहा है हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल है। डबल होने का कारण है आप देख रहे हैं कि रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, आगे दो लगा हुआ यानी दो मोल है, और ऑक्सीजन का कितना है, एक मोल है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा वो डबल होगा क्योंकि ये दो मोल है और ये एक मोल है। तो अब हम इसे आंसर किस तरह से देंगे, तो हमें तो जब आंसर देना होगा तो हमें लिखना होगा, तो हम जो आंसर देंगे वो कुछ इस तरह से देंगे। वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर में क्या होता है बच्चों, कि हमने देखा भी रिएक्शन में कि 2 पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है, और 1 पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। देयरफॉर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल, यानी जो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है और उसका अमाउंट क्या है, डबल है, किससे, देन दैट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब, यानी ऑक्सीजन से इसका हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो डबल है, हाइड्रोजन कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है और ऑक्सीजन एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, और हमारा जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो बच गया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर इसे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।